गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सो दिस इज़ योर साइंस क्लास, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक फूड चेन। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो आपको पता है कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो सनलाइट, वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस फूड पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उस प्लांट के बनाए हुए फूड पर डिपेंड रहते हैं। अदर एनिमल्स भी उस फूड पर डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट उस फूड जो बनाते हैं उस पर हम डिपेंड रहते हैं। तो फूड चेन क्या होती है, व्हाट इज़ फूड चेन? अ फूड चेन शोज हुज ईट होम इन अ हैबिटेट, स्टार्टिंग आउट विद द प्लांट एंड एंडिंग विद एन एनिमल। एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है फूड चेन का। फूड चेन का मतलब क्या होता है, फूड चेन ये शो करती है कि कौन किसको खाता है, कौन किसे खाएगा, हु ईट्स हुम, ये होता है। ठीक है, मतलब हैबिटेट के अंदर, आवास के अंदर, अपने ही आवास के अंदर कौन किसको खाता है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर प्लांट से होती है, क्योंकि प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। यहाँ पर प्लांट को प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखा है। अगर एंड किससे होता है, एनिमल से होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लांट ही दिखेगा। यहाँ पर आपको जो एरो दिख रहा है, उस एरो में ये फूड चेन जो है इस एरो की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर देखिए एरो, यहाँ पर सन की एनर्जी से प्लांट जो है फूड बनाता है। ये फूड इसके यहाँ पर स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उसकी सेल्स में स्टोर हो जाता है। ये प्लांट्स को हम फोटोसिंथेसिस की मशीन भी बोलते हैं, और प्लांट्स को यहाँ पर प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि फूड जो बनाता है वो प्लांट ही बनाता है। और उस प्लांट बनाने के लिए इससे जो एनर्जी है वो इसको सन की सनलाइट से मिलती है, एयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है इसको। तो ये इसकी सेल्स में जो फूड होता है वो स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। ओके, देन यहाँ से नेक्स्ट जो है प्लांट ईटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स जो होते हैं, जो केवल प्लांट और प्लांट पार्ट्स खाते हैं। ऐसे शाकाहारी जानवर जैसे डियर, काऊ, गोट, ओके, तो ये सब क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी फूड चेन का, जो फर्स्ट टेम्प है वो क्या है, हर्बीवोरस और प्लांट ईटर्स। देखिए, प्लांट ईटर्स और हर्बीवोरस यहाँ पर आपको दिख रहा है, इन्हें हम फोटोसिंथेसिस की मशीन भी बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। देन सेकंड को हम प्लांट ईटर भी बोलते हैं, हर्बीवोरस भी बोलते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट जो कंज्यूम कर रहा है, इसे खा रहा है, वो कौन है, हर्बीवोरस एनिमल है। तो इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। इस ये जो है अपनी एनर्जी को प्लांट सेल के अंदर ज़िंदा रखते हैं और यूज़ करते हैं इसका। फिर थर्ड जो है ये होते हैं कार्निवोरस, ये होते हैं कैचर्स एंड ईटर्स ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर इस एनिमल्स को जो खाते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये इनको खाते हैं और ये इनको खाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं, या बिग कार्निवोरस जैसे लोयन, टाइगर, यहाँ पर कोई भी कार्निवोरस हो सकता है जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल स्नैक का दिया गया है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। फिर इनसे जो आगे बढ़ता है वो क्या होता है, टर्शरी कंज्यूमर। तीसरा जो आता है थर्ड कैटेगरी में, उसे हम टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसे हम टर्शरी कार्निवोरस, कार्निवोरस या फिर ईटर्स ऑफ अदर एनिमल्स कहते हैं। ये होते हैं कैचर्स एंड ईटर्स, ये होते हैं ईटर्स। ये अपनी एनर्जी का यूज़ एनिमल सेल्स के अंदर रखते हैं। तो इस तरह से ये इसको खाता है, ये इसको खाता है और ये इसको खाता है। तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है, एक चेन होती है, इसीलिए हम इसको फूड चेन का नाम देते हैं। और ये किसी ना किसी तरीके से फूड के लिए, अपने जो फूड होता है अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे इंटरडिपेंडेंस भी बोलते हैं।
इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना फूड के लिए। जो एक जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर, और जो बिग कार्निवोरस होते हैं जो इसके बाद जो दूसरे भी कार्निवोरस होते हैं जो इनको खाते हैं, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो बोलेंगे एक्सकेवेंजर्स और डीकम्पोजर्स। तो इस तरह से ये एक पूरी चेन जो है एनवायरनमेंट में चलती रहती है। इस फूड चेन्स के द्वारा ही जो होता है एक नेचर के अंदर बैलेंस बना रहता है, मतलब किसी की भी संख्या जो है तालमेल बना रहता है कार्निवोरस हर्बीवोरस और प्रोड्यूसर्स का। ना किसी की संख्या ज़्यादा होती है ना किसी की संख्या कम होती है, मतलब एक बैलेंस जो है नेचर के अंदर रखना ज़रूरी है जो ये फूड चेन प्रोसेस रखती है। इसीलिए इसका होना ज़रूरी है एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब ना तो कार्निवोरस की संख्या एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए अर्थ पर, ना हर्बीवोरस की ज़्यादा हो जाए, ना डीकम्पोजर्स की। ओके, तो इस तरह से एक दूसरे को खाकर जो है नेचर पर इसका बैलेंस या तालमेल संतुलन बनाए रखते हैं। तो फूड चेन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। देखिए नीचे यहाँ पर सन, सन से बन रहा है प्लांट, प्लांट से कैटरपिलर और कैटरपिलर से बर्ड, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं। ओके, बर्ड के द्वारा जो होते हैं छोटे मोटे इंसेक्ट खाए जाते हैं, सन की एनर्जी से प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ये प्लांट को खाते हैं कैटरपिलर, और कैटरपिलर को कौन खाती है? बर्ड। तो ये इस तरह से फूड चेन का जो है प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इसके द्वारा एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरडिपेंडेंस के रूप में, फूड चेन के रूप में, कई सारे तरीक़ों से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।